यहाँ पर बोट ने अपना नया हेडफोन लॉन्च कर दिया है, बोट रोकर्स 425। और कमाल की बात यह है कि इस हेडफोन के अंदर आपको गेमिंग मोड भी मिलता है, तो आप इस हेडफोन को गेमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राइसिंग सबसे कमाल की इसकी रखी गई है, केवल 2000 रुपए के अंदर आपको यह हेडफोन मिल जाता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप यहाँ पर गेमर है तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, हो सकता है ये हेडफोन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहे। मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक कंसर्न। चलिए देर किस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो गाइज आपको रोकर्स 425 लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है। हेडफोन की कंप्लीट इमेजेस हैं, राइट साइड में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे आपको 40mm के ड्राइवर्स यहाँ पर मिलते हैं, बीस्ट मोड मिलता है फॉर गेमिंग, टोटल प्लेबैक यहाँ पर 25 घंटे का लिखा गया है। साथ ही साथ राइट साइड में हेडफोन्स की इमेजेस हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पर इमर्स इन द वाइब लिखा गया है यहाँ पर, साथ साथ कार्तिक आर्यन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बैक साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है, जैसे आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, एडेप्टिव फिट आपको मिल जाती है, डुअल पेयरिंग्स के साथ यहाँ पर आता है, इजी एक्सेस कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर टाइप सी इंटरफेस आपको मिलता है चार्जिंग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बॉक्स प्राइसिंग की बात करें तो 2999 रुपये यहाँ पर लिखी गई है, बट एक्चुअल प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा कम आपको यहाँ पर मिल जाती है। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक यूज़र मैनुअल, हेडफोन्स की सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साथ साथ एक बोट की कैटलॉग आपको मिल जाती है। गाइज 1 ईयर वारंटी कार्ड आपको मिलता है, आपको मिलती है टाइप सी 2 USB चार्जिंग केबल, एट द एंड आपको यहाँ पर हेडफोन देखने के लिए मिल जाता है। अगर गाइस हेडफोन्स की बात करूं तो अगर लुक्स की हम बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर कॉपी बना दिया गया है बोट बेस हेड्स 950 वर्जन 2 वायर्ड हेडफोन्स का। और यहां पर यार बोट की नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहां पर ये देखने में लग रही है कि एक सेम डिज़ाइन के हेडफोन्स में आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, एक आपको यहाँ पर वायर्ड तरीके से दे दिया गया, दूसरा यहाँ पर वायरलेस तरीके से दे दिया गया। पर्सनली मुझे यहाँ पर ये चीज़ पसंद नहीं आई, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। बाकी अगर हेडफोन्स की बात करते हैं तो सेम आपको बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है बोट बेस हेड्स 950 वर्जन 2 वायर्ड हेडफोन्स की तरीके से। बाकी अगर इसकी बात करें तो अगर हेडफोन की बात करें तो कुछ इस तरीके का हेडफोन आपको मिलता है, और अगर फिटिंग की बात करें तो ऑन ईयर डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी अच्छे से यहाँ पर इसने मेरे हेड को कवर अप कर लिया और काफी अच्छा यहाँ पर लगा। टी एंड डिजाइनिंग की बात करें तो गाइस जैसे कि आप देखेंगे ऑन ईयर डिजाइन आपको मिलता है, कुशंस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, रोटेटेबल यहाँ पर डिजाइन आपको मिलता है, फोल्डेबल नहीं है, और इसके हिंजेस भी आपको फ्रंट साइड में ही देखने के लिए मिल जाते हैं, नंबर यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पर अंदर की तरफ ही आपको राइट और लेफ्ट साइड भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं इस के यहाँ पर कंफर्ट की बात करूं तो ऑन ईयर डिजाइन आपको मिलता है और कुछ इस तरीके से टाइटली फिट हो जाता है आपके हेड के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं, और काफी अच्छे से इसने यहाँ पर हेड को कवर अप कर लिया है, और काफी अच्छी ग्रिपिंग भी आपको मिलती है। तो अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो यहाँ पर ये रिमूव नहीं होगा, और अगर आप जिम में भी यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लुक्स वाइज भी काफी अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है। बिल्ड इसकी कंप्लीट आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलते हैं, ओवरऑल इसका जो अपर साइड आपको मिलता है हेडबैंड वो भी प्लास्टिक है। कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप देखेंगे काफी ज्यादा सॉफ्ट कुशनिंग में बोलना, जैसे कि इसका यहां पर एक और हेडफोन इन्होंने लॉन्च किया है वायर्ड में, उसी तरीके की कुशनिंग आपको यहां पर मिल जाती है, हेडरेस्ट की कुशनिंग भी काफी अच्छी आपको मिल जाती है। ओवरऑल आपको कुछ इस तरीके से हेडफोन देखने को मिलता है, और जो हेडफोन की यहां पर गाइस आपको राइट साइड मिलती है उसमें आपको इसके सभी बेसिक कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहां पर पावर ऑन बटन मिलता है, वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है, एक डेडिकेटेड आपको यहां पर बीस्ट मोड के लिए बटन मिल जाता है। इस तरीके से राइट साइड में इसके सभी बटन मेंशन आपको मिल जाते हैं, बोट के लोगो दोनों ही साइड इसके मेंशन है, और यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, साथ ही साथ यहाँ पर बीस्ट मोड के लिए डेडिकेटेड बटन आपको मिलता है। अगर मैं क्विकली आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँ इस हेडफोन की, तो ड्राइवर जैसे कि मैंने आपको बताया 40mm के यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है हेडफोन के अंदर, साथ साथ गाइस आपको यहाँ पर बीस्ट मोड देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल मोड और बीस्ट मोड में स्विच कर सकते हैं, सिंपल आपको एक बटन मिलता है डेडिकेटेड इसी चीज के लिए। ENX टैग का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, जो कि एनवायरमेंट एंड नॉइस कैंसिलेशन आपको देता है, और जो कि कहीं ना कहीं गेमिंग में हेल्पफुल होगा। बाकी हम गेमिंग टेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा किस तरीके से आपको यहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है इस हेडफोन के साथ। आपको यहां पर ASCP चार्ज देखने को मिलता है, तो अगर आप यहां पर इसे 10 मिनट चार्ज करते हैं तो तकरीबन आपको 10 घंटे का यहां पर प्लेबैक मिल जाएगा, जैसा कि ब्रांड का यहां पर बोलना है। अगर मैं टोटल यहां पर प्लेबैक टाइम की बात करूं तो गाइज आपको यहां पर 25 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाता है इस हेडफोन के अंदर, एंड यहां पर आपको देखने को मिलता है टाइप सी इंटरफेस फॉर चार्जिंग, कनेक्टिविटी में आपको यहां पर ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है। चलो ये आपको एक अच्छी चीज मिलती है कि लेटेस्ट टैक यहां पर आपको दिया गया इस हेडफोन के अंदर, और साथ ही साथ यहां पर आपको गूगल एंड सिरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप उसे मल्टीपर्पज बटन के इस्तेमाल से भी यूज में ले सकते हैं। 1 ईयर वारंटी के साथ ये हेडफोन आता है, एंड अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो गाइज यहां पर 1700 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। 3 कलर आपको मिलते हैं यहां पर, एक्टिव ब्लैक यहां पर मैंने रिव्यू के लिए मंगवाया, एक एश ग्रे आपको मिलता है, एक ओशियाना ब्लू आपको मिल जाता है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं इसके बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।
अब गाइज मैं आपके साथ इसका म्यूजिक सैंपल साथ ही साथ गेमिंग टेस्ट एंड यहाँ पर इसका माइक्रोफोन टेस्ट शेयर कर रहा हूँ। आप इन तीनों ही चीज़ों को देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे हेडफोन। बाकी हम बात करते हैं वीडियो में आगे। सो गाइज अब हम यहाँ पर करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट इसी हेडफोन के साथ। सबसे पहले मैं इसे बीस्ट मोड में स्विच कर लेता हूँ। उसके लिए जो डेडिकेटेड बटन आपको मिलता है हेडफोन में उसे सिंगल टाइम आपको प्रेस करना है। बीस्ट मोड। तो जैसे कि देखा आपने यहाँ पर ये बीस्ट मोड में आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आपको लो लेटेंसी मिलती है इसी हेडफोन के अंदर। तो गाइस ये है माइक्रोफोन सैंपल इसी बोट रोकर्स 425 हेडफोन्स का। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर सैंपल मिलता है इसके माइक के थ्रू, जब भी आप इसे यूज करते हैं वाइल्ड कॉलिंग या फिर गेमिंग, और कुछ इस तरीके से आपको इसका माइक्रोफोन सुनने के लिए मिल जाता है। सो गाइस आपने सुना, ये था कंप्लीट साउंड आउटपुट गेमिंग टेस्ट एंड माइक्रोफोन सैंपल इसी बोट रोकर्स 425 हेडफोन्स का। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये हेडफोन आपको कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज मिलता है। गाइस मैंने बॉलीवुड म्यूजिक भी यहाँ पर सुने हैं और अलग अलग वैरायटीज के सॉन्ग सुने हैं ताकि मुझे यहाँ पर पता चल जाए किस तरीके का यहाँ पर साउंड आउटपुट आपको मिलता है। शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पर ट्रेबल से। तो ट्रेबल इस हेडफोन में आपको शार्प मिलते हैं, काफी अच्छे यहाँ पर शार्पनेस के साथ आपको ट्रेबल सुनने के लिए मिल जाएंगे। बेस की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली अगर आप बेस हेड हैं, बेस रिच आपको हेडफोन्स पसंद है जहाँ पर बेस को काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं बेस ओरिएंटेड डिवाइस अगर आपको पसंद है तो यार बेस इस हेडफोन के अंदर आपको काफ़ी थम्पी सुनने के लिए मिल जाएगा। डिस्टोर्शन की बात करूँ डेफिनेटली यहाँ पर डिस्टोर्शन आपको नहीं मिलता है, बट कभी कभार जो बहुत ज़्यादा हाई रिच ट्रेबल सॉन्ग्स होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा पिंच यहाँ पर होगा ट्रेबल इसका, इस तरीके का मुझे पर्सनली यहाँ पर फील हुआ। इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियर मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेस कवर अप कर लेता है इंस्ट्रूमेंट्स को भी, एंड जो वोकल्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। जो लीकेज है वो डेफिनेटली आपको मिलती है इस हेडफोन के अंदर क्योंकि यहाँ पर ओन ईयर हेडफोन्स आपको मिलते हैं। तो मेरा यहाँ पर पर्सनली रिकमेंडेशन है कि 60-70% वॉल्यूम पे आप म्यूजिक सुनिए, काफी ज्यादा आपके कानों के लिए आरामदायक रहेगा एंड गाइस आपको पसंद भी काफी ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये तो मेरा यहाँ पर ओपिनियन था म्यूजिक सेक्शन में। अब मैं गाइस अगर यहाँ पर बात करूँ कंप्लीटली गेमिंग सेक्शन की, तो जैसे कि यहाँ पर बीस्ट मोड दिया गया है ब्रांड की तरफ से, यहाँ पर लेटेंसी तो ओपन अप नहीं की गई है कि कितने एमएस की लो लेटेंसी आपको मिलती है, बट मैं अगर बात करूँ जैसे कि यहाँ पर बायोनिक इंजन एंड सोनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि आपको लो लेटेंसी मिले, तो उस हिसाब से अगर देखें तो गाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लो लेटेंसी तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, बट ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेबल लेटेंसी आपको मिलेगी। फुटस्टेप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिलते हैं, डेफिनेटली आप लेफ्ट राइट एलोकेट कर सकते हैं एनिमीज को, एंड गाइज डिस्टेंस वाइज भी अगर कोई एनिमी है तो वो भी इजिली यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ से एनिमी आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर पर्सनल लगी। बाकी अगर माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन आपको इसका डिसेंड मिल जाता है, तो आप उसे गेमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलिंग में भी आप उसे यूज में ले सकते हैं। तो गाइज ये थी कंप्लीट वीडियो इसी हेडफोन के ऊपर। तो और काफी मल्टीपल यूज के देखते हुए इस हेडफोन को बनाया गया ताकि आप म्यूजिक भी सुन सके, बेस आपको काफी अच्छा मिल जाए, पोर्टेबल भी आपके लिए डिवाइस रहे, लाइट वेट रहे, एंड गेमिंग यहाँ पर आजकल सभी कर ही रहे हैं तो गेमिंग के हिसाब से भी इसे बनाया गया है कि आपको लो लेटेंसी भी यहाँ पर मिल जाए। तो ओवरऑल काफी अच्छा आपको पैकेज मिलता है इस हेडफोन के अंदर। 1700 रुपये इसकी प्राइसिंग है। बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस ये हेडफोन कैसा लगा कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर से बताएगा। अदर वीडियोज आप आई बटन में अपने चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए, काफी अलग अलग वैरायटीज के नेक बैंड और हेडफोन्स के हमने आपके लिए रिव्यू भी किया है, एंड जल्दी ही हम 5000 सब्सक्राइबर का जो गिव अवे का वादा किया था उसे हम लेकर आएंगे। और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आपको ये हेडफोन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर जरूर से सेट कर लें, एंड गाइज हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। अब हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी आ चुका है तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए। मेरा नाम है अपूर, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।